गुड। तो नाउ सी चिल्ड्रन, आई थिंक इसमें से कुछ बच्चे जो 11th पे हमारे साथ रहे हैं वो होंगे और दिख रहे हैं, कुछ हो सकता नए हों। तो इन 12th क्लास ओनली देर आर 16 चैप्टर्स और ऑब्वियसली दिस चैप्टर जो सिलेबस है दैट इज लेस, 11th से काफी कम होते हैं। दो चैप्टर जो है वो टाइम लेता है, तो जेनेटिक्स होती है वो टाइम लेता है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज अबाउट रिप्रोडक्शन, जो इस बोर्ड पर भी मैं लिखा हूं और आपके सामने भी आ रही फर्स्ट चैप्टर। तो इन फर्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म। थर्ड चैप्टर जो आपकी होगी वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ओनली, एंड फोर्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। ये चार चैप्टर्स आपको इस यूनिट में। तो हो सकता है कोई आप लोगों में से कुछ जो स्कूल के लेवल पर भी कंप्लीट किए हो, बट बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आपको एक एक लाइन से वाकिफ होना जरूरी। तो अब फर्स्ट चैप्टर में ये बात आती है अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, व्हाई रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड का फर्स्ट आंसर ये है बिकॉज लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज फिक्स्ड, टाइम वेरिएबल है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे लाइफ स्पैन, वो फिक्स्ड है, उस बर्थ लाइफ स्पैन के बाद डेथ। तो उस स्पेसीज की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है जो वो रिप्रोड्यूस कर। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है क्या, यदि आपके सामने ये खुली है तो बेटा सबसे पहले यहाँ देखो, ये है यहाँ पर लाइफ स्पैन। तो पहला यहीं पर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन से अपनी पेंसिल रखा करेंगे, यदि आज आप नहीं रखे हैं तो अगले से पेंसिल रखेंगे, इरेजर रखेंगे, हम आपको यहाँ क्वेश्चन लिखाएंगे और यहीं पर आपकी आंसर होगी। अब पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन लाइफ स्पैन, पहला क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो आंसर आप वहां अंडरलाइन करें बुक में, इसका आंसर है फ्रॉम बर्थ, टाइम फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। अब इसमें देखो नेचुरल जो है दैट इज मस्ट, नेचुरल नहीं देंगे तो आंसर गलत हो जाएगी। अब यार देखो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर दिया, अब यहां डिफाइन किया लाइफ स्पैन, फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। अब इसमें क्या है, अब ये चैप्टर इतना छोटा है, इजीयर दैट यू कैन डू कंप्लीट इन टू क्लासेस, यदि स्पीड में करें तो हो जाएगा। अब लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, अब वो वेरिएबल है, इसमें लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिज्म का यहां आपको दे रखा। अब यहां देखिए, तो अब इसमें दो चीज मैं ऐड करूंगा, लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, कुछ इसमें दिया हुआ है, बट एक ऐड करेंगे मिनिमम, मिनिमम लाइफ स्पैन जो है दैट इज ऑफ मे फ्लाई, और इट इज ओनली 24 आवर्स, इनकी पूरी लाइफ 24 आवर्स में खत्म है, ये मिनिमम लाइफ स्पैन है, इसी पेपर में लिख दोगे। और मैक्सिमम
the red tree, that is 3000 to 4000 years. तो जो हमारे पास यहाँ लिस्ट है उस लिस्ट में मैं दो ऐड कर दिया हूँ, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अब इमेजिन करो बच्चे 24 घंटे में ही इनकी ये बड़े होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, सब कुछ हो गया, फिर डेथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, अब देखो ये खाली छोड़ रखा है यहाँ पर, क्यों? तो आप थोड़ा अपना मशक्कत करें इस पे और नेक्स्ट से ढूंढे दो चार, तो मैं आपको लिखा दे ही दे रहा हूँ। अब देखो जैसे अब इसमें है आप देखो 40 ईयर्स, अब जैसे अब हॉर्स है तो हॉर्स का है 60 ईयर्स, इनका भी फ्रूट फ्लाई बगल में है, देखिए फ्रूट फ्लाई इनका है 2 वीक्स, दैट इज 15 डेज। तो ये मैनुअल वर्क्स है और इनकी लाइफ स्पैन के बारे में डिटेल भी हमको पढ़ेंगे 83 पेज पर बाद में, फ्रूट फ्लाई के बारे में हमको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। तो इस पेज में आपको क्या है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लाइफ स्पैन सबके सबके भर देना है आपको। अब देखो टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स है लाइफ स्पैन। अब यहाँ से अब आ गया तो ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर हो गई है, लाइफ स्पैन जो है हर की फिक्स्ड है, आफ्टर दैट उनकी डेथ होगी। तो उसके लिए जरूरी है जो वो रिप्रोड्यूस करे। तो सेकंड क्वेश्चन अब देखो, यहां से क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन रिप्रोडक्शन। सारे बच्चों के पास बुक है, कोई ऐसे भी है जिनके पास नहीं है तो प्लीज बता दें, अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, बट बुक आपका होना जरूरी है। अब यहाँ देखो बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिखा डिफाइन रिप्रोडक्शन और यहाँ सब लिखा है डिफाइन, यहाँ से लिखना है ठीक है, जिनका नहीं है वो आपके स्क्रीन पर आ रही है, स्क्रीन पर आ रही है तो यहाँ से आप लिख लो बच्चे, जिनका जिनके पास है वो अंडरलाइन कर लोगे और जिनके पास बुक नहीं है वो तो यहां से नोट करेंगे आंसर। अब यहां देखो, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर टू इटसेल्फ। बस यहां तक आप लिख लेंगे, जिनके पास बुक है वो वहां अंडरलाइन करो, जिनके पास बुक नहीं है वो अभी टेम्पररी कॉपी पर लिखना है। अब रिप्रोडक्शन में आगे चल के दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन आएगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चे, रिप्रोडक्शन जिन बच्चे के पास बुक नहीं है वो फिर से आराम से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पर क्वेश्चन लिखा आंसर लिखा, defined as a biological process in which an organism gives rise to the young one or the offspring. अब यहाँ के बाद lower classes में पढ़े होंगे, अब बनाम types of reproduction. There are two types, asexual and so I'm taking one peculiarity is that asexual reproduction is the characteristics of lower organism like fungi, एलगी एंड सो ऑन, बट लोअर ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली इन एडवर्स कंडीशन, जब उनके पास एडवर्स कंडीशन आती तभी हो जाती, बट जैसे 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 इवॉल्व हुआ रिप्रोडक्शन बिकम सेक्सुअल। अब हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। और अब देखिए हमारे पास कितने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मैं क्या बताएं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन
teacher of lower organism. It undergoes sexual reproduction in adverse condition, or sexual, it is a characteristic of higher organism. तो ये एक जनरल बातें भी हम टाइप में आएंगे, इनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे. हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा, दो व्हाट आर टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल में कॉमन फीचर ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, इट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एडवर्स कंडीशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या होंगे, कितने हमने हैं ये देखिए. तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात आई एसेक्सुअल, फिर क्वेश्चन लिखेंगे अब यहाँ देखो टाइप्स ऑफ, बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहला है फीजन, फीजन मीन्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी. तो फीजन भी यहाँ दो टाइप्स का है, मैं बताता हूँ. डिफ्यूजन इज टू टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल. बाइनरी मीन्स वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू. फॉर एग्जांपल अमीबा. अब मल्टीपल फीजन, अब एक ऑर्गेनिजम्स है, अब ये अंदर अंदर पूरे बहुत सारे बनेंगे और इट विल बस्ट आउट एंड मेनी ऑर्गेनिज्म विल कम आउट. और ये हमको डिजीज चैप्टर में मिलेगा इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉजेस, ठीक से लिख देता हूं इसको, अकासेन प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया. इनकी पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है. तो लीवर में जाते हैं एक और कितनी बन जाते हैं, तो यहाँ एक से बहुत सारे बनते हैं और यहाँ एक से दो बनते. तो एग्जाम्पल आपका बाइनरी फ्यूजन. और बगल में ये देखिए आपका ये डायग्राम भी यहाँ पर पिक्चर भी आपका दिया हुआ है. यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है बाइनरी का. अब यहाँ पर एक आती है, अब एक वर्ड आया क्लोन, सी एल ओ एन ई. एक क्वेश्चन बच्चे अब यहाँ लिखेंगे. अब यहां से क्वेश्चन बना एक नंबर का, डिफाइन क्लोन. अब यदि पहले समझो एक से दो बना है और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुई है, तो ये क्लोन क्या है, एक ही का कार्बन कॉपी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. जैसे उनके ऑफस्प्रिंग पैरेंट की तरह ही, दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम. अब यहां देखो यहां पर लिखेंगे, जिन बच्चे के पास नहीं है वो यहां पर लिखेंगे डिफाइन क्लोन, और यहां से आंसर आएगा क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब या सच छोड़ देंगे, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. और यहां पर लिख देंगे इतनी बातें. अब हाउ इट नॉर्मली अराइजेस, नॉर्मली बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन
हाँ, आप इस पर ना करें, आप इस पर ना करें। आप अपनी कॉपी पर करें, मैं यहाँ दिखा रहा हूं, तो इस पर आप करेंगे सबके पास चला जाएगा, आप करेंगे अपन। अब यहाँ दूसरी बात और आपको क्लोन में बता रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये दो चार छह हुआ, ये क्लोन एक दूसरे की। अब एक क्लोन है मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम होता है। अच्छा, आनस खान आ गए भाई, हेलो। चलो भाई बात करता हूँ आपसे, और रशीद भी है सर, ठीक है। अब चलो, अब देखो, जो क्लोन तो हो गया ये एसेक्सुअली में, बट आपको मैं सेक्सुअली में एक टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ। जो ट्विन जो बनते हैं, ट्विन दो तरह के, जो आइडेंटिकल ट्विन है, आइडेंटिकल ट्विन जो एक जैसे जुड़वे देखने में होते हैं, तो देख वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, बट ये दो जो है, ये दोनों एक दूसरे का क्लोन है, क्योंकि जो जायगोट था ये दो पार्ट में बट गया, जायगोट डिवीजन के टाइम में दो पार्ट में बट गया, जो हम लोग आपको पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताएंगे। तो आपने अपने मोहल्ले में क्या क्लासेस में देखा होगा, दो एक ही जैसा है, भाई दो या बहन, तो दे आर द क्लोन ऑफ इच अदर, दोनों एक दूसरे के क्लोन होंगे, क्योंकि जायगोट के बट जाने से हुए हैं, तो आइडेंटिकल ट्विन। ट्विन कई तरह के, दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन आर क्लोन ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर कहीं पर लिख लोगे आइडेंटिकल ट्विन्स आर द क्लोन ऑफ ईच अदर, अब यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन आ गई है, तो क्लियर होगी मैटर। अब नीचे में मैं बच्चे देखो, यहाँ पर है बडिंग, ईस्ट में बडिंग हो रही है, तो अब इन दोनों में गौर फरमाइए आप, इस पे और इस पे क्या फर्क है, यहाँ भी दो हो रहे हैं, यहाँ भी दो हो रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन फिर लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन रीजन एंड बडिंग, ये दो नंबर का क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन रीजन एंड बडिंग, अब इसमें दिया तो है, ये डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, बट ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो गया। पहले मैं बता दूं, फिर मैं लिखा देता हूं। अब यहां देखो, बाइनरी फ्यूजन में क्या है, ये जो क्लोन्स बने इनके, जो जो ऑफिस डॉटर सेल्स बने, वो इमिडिएटली कट गए, दोनों का साइज इक्वल है, दे आर इक्वल इन साइज, बट आप यहाँ बडिंग में देखो, बड की साइज पेरेंटल साइज से छोटी है, और सर्टेन टाइम तक ये इनके साथ अटैच भी है, दो डिफरेंस आ गए। बडिंग आपको आगे भी आएगा हाइड्रा में, तो अब दोनों का पहले यहां पर इस डायग्राम से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बनी, दैट्स व्हाई गिवन द क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन बडिंग एंड रीजन। तो ये डायग्राम और यहां लैंग्वेज में लिख लेंगे आप, यहीं पर मैं आंसर कर देता हूँ। पीटर में डॉटर सेल्स सेपरेट इमीडिएटली द डॉटर सेल रिमेन अटैच्ड फॉर सम टाइम। क्वेश्चन एज दो साइज ऑफ बोथ आर इक्वल एज द साइज ऑफ
ऑलवेज स्मॉलर। अब इनके एग्जाम्पल में आपका आ गया ईस्ट, और दूसरा आगे चल के आएगा हाइड्रा। यहां पर अभी दो अमीबा, ईस्ट और हाइड्रा, हाइड्रा आगे आप आना है। ये नोट हो जाए तो इस नोट पर लिखो यस डन, तो फिर मैं आगे बढ़ू। ये बुक में डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं, सर फ्यूजन में पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट। हाँ ये बात तो, पेरेंटल जब भी दो हो गए तो पेरेंटल, अब यहाँ भी यहाँ पर नहीं लॉस होगा, अभी मैं उस पर आने वाला हूँ ना। आगे चल के जब हाइड्रा में आएंगे तो जाते क्लियर करेंगे इस पैटर्न को। आप थर्ड पॉइंट बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पॉइंट हो जाएगी यदि तीन नंबर में दिया तो इसको बना दो, ये लिख दो। ये बात आप सही बता फरमा रहे हैं, आप लिख दीजिए। हाँ ये जब हो जाए तो आप बता देना। थर्ड पॉइंट ये खींच के, यदि क्वेश्चन बन गया कोई दिक्कत नहीं। मैं एकदम साइड हो जाऊंगा, बच्चे जब आप लिख लोगे ना। अभी पार्थेनोजेनेसिस में टाइम है बच्चे, अभी आएगा पार्थेनोजेनेसिस। बुक के हिसाब से आराम से चलो, पार्थेनोजेनेसिस आएगी, पार्थेनोकार्पी आएगी, एवरीथिंग विल कम। अब यहां पर आएंगे, अब इसके बाद आएगा देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग ने दो ही बात किया, सिर्फ हमने एक विजन देख लिया, एक बर्डिंग देख लिया, बट अब यहां पर क्या कहेंगे आप ये देखो, इसको क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे। अब यहां देखो, ये जिसने इलेवेंथ में थोड़ा पढ़ा होगा, फंजाई में एल्ब्यूगो आई थी, एल्ब्यूगो, और ये नाम जो यहाँ कोनिडिया दिख रही है वो इलेवेंथ क्लास के 23 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पर आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यह है पेनिसिलियम का, तो अदर मोड्स, अब यहाँ से पूछेगा व्हाट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम कोनिडिया, और ये आपके आए थे दूसरा जो पेनिस आया था एल्ब्यूगम, तो ये तब आएगी। अब जब इसको कंपटीशन के लिए आप जोड़ेंगे, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं, कंपटीशन के लिए जब जोड़ना शुरू करेंगे तब दोनों बुक में कई स्टेटमेंट या इसी बुक में स्टेटमेंट कहीं और है वो जुड़ेगी, वो मैं धीरे धीरे जोड़ूंगा। तो इस कोनिडिया में अब क्या हो रही है इनका देखो, तो पेनिसिलियम हो गया कोनिडिया। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टेरिगमाटा। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना ये स्टेरिगमाटा है, और यहाँ ये जैसे बैलून ऐसे कट होते हैं, ये कट होता गया, कट होता गया, और ये जब सेपरेट आउट हो गया तो ये हवा में चली गई, हवा में चली गई, और वो जहां जिन को इन्फेक्शन करना है वहां गिरा, और ये जर्मिनेट कर जाएगा, फिर माइसिलियम बना देगा। ये पेनिसिलियम का हो गया। जब आपने यदि इलेवेंथ में एलपीयू को पढ़ा होगा, वहां डायग्राम नहीं था, वहां स्टेरिगमाटा नहीं बनता, वहां सीधे एलपीयू को गए, सीधी माइसिलियम यहां से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, बट कोनिडिया इधर से ऐसे। तो जहां आपका ये बना हुआ है
बच्चे ये आप पेनिसिलियम इसको स्टिगमाटा लिख दो, यहाँ लिख दो इट इज ऑल्सो इन एल्ब्यूगो। बोर्ड पे लिख रहा हूँ कुछ मेजर से ज्यादा 2016 स्टार्टिंग समय से जो आप, हम आपको सर वेट करेंगे, जो आपको डिटेल लिखाना पड़ेगा तो आप चिंता न करो, मैं लिख के हट जाऊंगा। इसमें लिखाने वाले बातें थोड़ी कम है, जब मुझे ये महसूस होगी जो ये मैटर लिखाना है तो मैं यहाँ डीप लिख के मैं सॉल्व हो जाऊंगा। आप ये देखो बच्चे, ये जो है ये जू स्पोर है। तो अब ये कंडीशन कब आती है, ये आती है एल्गी में, ये कंडीशन आती है एल्गी में, वाटर में है तो वाटर में फॉर स्विम करने के लिए इनको फ्लैजिला चाहिए, तो इट इज जू स्पोर। अब देखो इसमें मैं लिख रहा हूं जू स्पोर सिर्फ वही, तो आपको शायद दिखाई देगी। तो जू स्पोर्स में क्या होती है, अब मान लो कोई ये तो एक माइडोमोनस का लिखा रखा है, अब सर्टेन मान लो एल्गल फिलामेंट है, जब ये एसेक्सुअल में आते हैं तो इनके सारे इनके न्यूक्लियस पहले डिवाइड किया, एंड ऑल डिवाइडेड न्यूक्लियस एक्युमुलेट साइटोप्लाज्म एंड ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू स्पोर। अब ये बस्ट किया, जो स्पोर्स बाहर, अब ये जो स्पोर क्या करता है आगे चल के ये लूजेस द फ्लैजिला, अब ये फ्लैजिला निकाल पर यहां लिख देखो, फ्लैजिला लूज हो गया और ये नीचे सेटल हो गया और ये स्टार्ट डिवाइडिंग। तो अब जू स्पोर किस में बनेगा, दो तीन एग्जांपल लिखिए। प्लेमाइटोमोनास, न्यूरोथिक्स। अब हमने जू स्पोर से बुक में तो ऐसे सिंगल में दिखाया क्लेमाइटोमोनस, तो आप अपने दिमाग में ना रखेंगे सिर्फ इसी में बनता, इट मे बी इन द डिफरेंट फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा न्यूरोथ्रेक्स या जितने इनके न्यूक्लियस है डिवाइड इन टू मेनी, ईच न्यूक्लियस एक्युमुलेट साइटोप्लाज्म ऑफ फ्लैजिला डेवलप किया, आप एंड बस्ट आउट जू स्पोर्स कम आउट, यहाँ पर लूजेज इट्स फ्लैजिला, आप देख लो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ है ना सोहेला, देखो बोर्ड आपको दिखाई दे रही है, वो क्लियर। स्टेरिक माटा आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है वापस चलें।
स्टिगमाटा में बोर्ड आप आपको दिखाई दे रही है, वो आपने नहीं लिखा, मैं स्टिगमाटा पर फिर से आ रहा हूँ दोबारा। देखो डिफरेंट और जो कुनीडिया जो बनाता है एक ही ऑर्गेनिज्म कुनीडिया। अब यहां मैं बता दूं एलबीओ का और पेनिसिलियम दोनों फंजाई हैं। तो पेनिसिलियम की जो ये माइसिलियम, माइसिलियम धागे की तरह होगा, आज 11th में आपने फंजाई पढ़ी है। तो नॉर्मल तो ये ऐसे रहते हैं जी, ये ऐसे सेपरेट होते हैं। जब इनको कोनिडिया बनाना है तो इनके पार्ट जो ऐसे थोड़ा सा इस माइसिलियम से स्वेल कर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तब इनके एक पार्ट माइसिलियम का स्वेल्ड पार्ट स्टिग्माटा बोलते हैं। अब ये ऐसे करके डिवाइड करना शुरू कर, अब ये नथिंग बट द इसको लिखोगे स्वोलन पार्ट ऑफ माइसिलियम, स्वोलन पार्ट ऑफ माइसिलियम। लेकिन एल्बियो का केस यदि है, ये माइसिलियम हुआ और सीधे ये कटसॉप होते हैं ऐसे, ये इसमें ये कटसॉप कैसे होते हैं ये बता दूं आपको। जैसे वो लंबे वाले बैलून होते, लंबे वाला सीधा बैलून, उसको आप यूं गोला गोला कट कर देते, इट इज लाइक दैट। तो ये इसी तरह से कटते हैं और ये जितनी कोनिडिया जब हवा में आएगी और जिस पर ये ग्रो करते हैं उस पर ये आएगा और ये जर्मिनेट कर जाएगा। तो दीज आर द स्टिग्माटा स्वेलन पार्ट ऑफ द माइसिलियम। अब ठीक है, अब इस पे आ जाओ। अब देखो ये हाइड्रा के बारे में जो सिलेंट्रेट है, हाइड्रा और बड के बारे में पहले ही लिखा दिया था। हाइड्रा के केसेस में दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो ऑफकोर्स यहाँ देखे यहाँ पर भी साइज जो है वो क्या है, इनसे छोटी है और काफी देर तक ये इनसे अटैच्ड है, और यहाँ भी पेरेंटल जो है आइडेंटिटी बच जाती है। तो बट हमने कह दिया बडिंग का दो केसेस, वन इन द ईस्ट सेकेंड इन हाइड्रा। अब यहां पर आ गया देखो ये स्पॉन्जेस, इसमें केम्यूस। अब ये स्पेशल चीजें हैं, ये स्पॉन्ज हमने आपने 11th में पढ़ा होगा पोरीफेरा, एनिमल किंगडम में पोरीफेरा में। तब यहां पर अब क्या होती है, दे एक्यूमुलेट्स द सेल कंपोनेंट्स एंड ऑल बिकम राउंड, ये गोले 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 स्ट्रक्चर बन गया। और जब ये रिलीज होगा तो इट विल अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म हाइड्रा। अब इसमें एक क्वेश्चन और, डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं आपके पास, जूस्पोर, बर्ड, गैम्यूल, कोनिडिया। अब हम आपको क्या करेंगे, तो चाहे ऑर्गेनिज्म का नेम दे देंगे या फिर टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर देंगे, ये किस में होती है। फॉर एग्जांपल अब देखो इन विच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर आर फॉर्म। अब इस तरह के क्वेश्चन दो नंबर तीन नंबर सब में जा सकते हैं। नंबर वन, अब यहां पर मैं लिखा स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस। नंबर टू लिखा हाइड्रा। तीसरा लिखा पेनिसिलियम।
अब ये मान लो हमने 3 नंबर के लिए यहाँ पूछ लिया, तो यहाँ स्पॉन्जेस है, तब यहाँ पर आप लिखोगे कैम्यून, हाइड्रा लिखा तो यहाँ लिखेंगे बडिंग या बड, और बाय बडिंग मेथड्स। पेनिसिलियम कोनिडिया, अभी और भी आएंगे तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा, हमको एक जगह लिखना पड़ेगा, कभी क्या होगा तो हम ये दे देंगे, ये कहाँ कहाँ होता है इसके एग्जाम्पल दे देंगे, दोनों का मैचिंग कर लेंगे एक जगह, इसको नोट कर। अब यहाँ देखो ये गैम्यूल्स कोनिडिया हाइड्रापड सारे हो गए डिस्कशन, यहाँ देखो दिस पार्ट वी हैव डिस्कस, इन पार्ट को यहाँ बड भी हो गया, हाइड्रा में कैम्यूल भी हो गया, कोनिडिया भी हो गया, ये सारे मैटर डिस्कस कर लिया। ये चैप्टर इज वेरी इजी इजी। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर अब क्या आया, इन 11th क्लास, अब 11th क्लास की मॉर्फोलॉजी को याद करिए, जो आप माइट हैव स्टडीड द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में कई चीजें आया था, जिसमें हमने नाम भी लिखाया था राइजोम ट्यूबर बर्न कॉम सकर स्टोलन। तो इन 11th में आपने इसको पढ़ा था, जो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम मॉडिफाई कर रहा है, और वहां पर ये एक नाम था एज ए पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, रिकॉल करिए, आपको रिकॉल करने के लिए बोल रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जिसमें एक नाम था पेरिनेशन या पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर वो होता है जिससे ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में अपना टाइम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अब पहले इसको समझ, अब ये था, ये है राइजोम, इनका नाम होगा राइजोम। अब ये जिंजर, और इनका नाम होगा ट्यूबर। अभी आते हैं इसमें नीचे, पहले आपको बता दूं फिर ऊपर इसमें आते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, इसमें से ये नाम भी 11th में था, ये भी था, और ये भी था, ऑफसेट जो है वो नाम था सिर्फ, हम लिखा था, ये दो नए हैं यहाँ। तो इन सबको यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस फॉर्म में, व्हाट इज पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर में ही यहाँ पर है, इट इज ए वेजिटेटिव प्रोपोगुलस। ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूस वर्ड्स जो आ रही है, दैट इज फॉर हायर प्लांट्स, ऑफ कोर्स इट इज अ मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, दे आर वेजिटेटिव प्रोपोग्यूस आर नथिंग बट द मोड ऑफ, क्या लिख देता हूं, दीज आर द मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट्स गिवन डिफरेंट नेम्स। अब यहां पर देख, अब ये सारे तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं, वंस टाइम इसको आपने कह दिया राइजोम, राइजोम राइजोम इसलिए कह दिया क्योंकि
ये हॉरिजेंटल ग्रोथ होती है जो 11th में था, हॉरिजेंटल ग्रोथ यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, बट बॉडी कॉलिंग आपको बता रहा हूँ, हॉरिजेंटल ग्रोथ होगा डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स है, यहाँ बोर्ड में इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ। अब इस पर क्या होती है, यहाँ पर देखो ये लिखा है नोड्स, नोड्स में जो ये पार्ट है ना ये है एस्केली लीव्स, आप लिख ले ये है एस्केली लीफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ, which covers the bud. इसके नीचे में छोटी सी बड होती है जो फेवरेबल टाइम आएगा तो यहां से पौधे निकल आए। अब देखो ये तो अब ये आपने पोटैटो की देखा करो, अब दे आर कलेक्टिवली ये कंडेंस्ड नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहां से प्लांट निकल आते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वेजिटेटिव प्रोड्यूसिव हुए और मॉडिफाइड स्टेम हुई। अब इनके बाद आए ये दोनों था वहां पर, अब यहां अब ये है ऑफसेट, अब यहां पर लिखा हो ये ऑफसेट किसका, इक्वर्निया दैट इज चेरर ऑफ बंगाल, आगे पेज पर आएगा। अब यहां पर ये क्या हो रही है, ये वाटर प्लांट है इक्वर्निया, ये थिक और शॉर्ट होता एंड ऊपर से ये देखो ये रोजेट लीफ निकल रही है और यहां से रूट, तो अब ये कट ऑफ हो जाएगा और नया प्लांट हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑफसेट। ये ब्रायोफाइलम में है, अब यहां देखो ये क्या है ब्रायोफाइलम में, यहाँ बड्स ये निकल रहे लीफ बड, अब ब्रायोफाइलम में एडवेंटिशियस बड यहाँ लीफ से निकल रहे हैं ऑन डिटैचमेंट, जब ये डिटैच होगा तो ये नया प्लांट बना दे। अब ये जो है ये एगेव का है, अब यहां पर एक बात यहाँ एगेव में आप लिखोगे यहाँ फूड स्टोर में, यहाँ पर फूड स्टोर यू हैव बुलबेल्स, बुलबेल्स एग्जाम्पल है एगेव, यहाँ फूड इज स्टोर इन लीफ बेस, तो यहाँ पर जो ये फूड स्टोर है ये टेक्स्ट में नहीं लिखा है, ये लीफ इसमें है ऑलरेडी लीफ के ये बेस में, व्हेन इट गेट डिटैच आफ्टर डिटैचमेंट इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट। अब यहां पर देखो बच्चे नाम आ गया, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनेगी, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोड्यूस राइट इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जाम्पल, क्वेश्चन को लिख लेंगे यहीं पर, जिनके पास बुक है वो यहीं पर पेंसिल से लिख दो, जिनके पास नहीं है वो अपनी कॉपी पर लिख लें विथ रिलेवेंट पेज नंबर, जब बुक आएगी आपको तो वहां आपको मेंशन कर लेना है, अलग अलग बेटर होगा जो एक साथ आप लिखते जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा इसी पेज पर होना चाहिए, क्योंकि दो जगह आप खोलेंगे आपकी परेशानी होगी। तो अब यहां देखो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, अब यहां पर आ गया रनर, तो रनर के एग्जाम्पल आप रिकॉल करो, नहीं रिकॉल कर पा रहे तो मैं लिखा देता हूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया
वजाहत, आपने देखा क्वेश्चन लिखा, यस लिखो या नो लिख लिया तो मैं आंसर लिख बता रहा हूँ आप। यस, तो आई थिंक यू हैव रिटन द क्वेश्चन। हम इसका आंसर यहीं से बता देते हैं, कैसे लिखेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर पहला आया रनर, यहाँ लिखेंगे रनर, इनके एग्जाम्पल लिखेंगे ग्रास स्ट्रॉबेरी, ये एग्जाम्पल उठा लिया मैं क्लास से, ये हो गया रनर लिडल लॉन्ग। दूसरा यहाँ आ गया ऑफसेट, आगे पेज पर लिखा है तो ही मैं लिखता हूँ टेरर ऑफ बंगाल, दैट इज बिकॉर्निया। तो एक क्वेश्चन और भी होती है, विच प्लांट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, राइजोम, सकर। अब यहां पर आपका लिखा सकर, क्राइसेंथेमम, ऑलरेडी मेंशनड इन 11th क्लास। यदि 11th क्लास में आपने मॉडिफिकेशन पढ़ी है तो सारे मैटर वहां क्या हुआ है। अब ट्यूबर पोटैटो और भी बना देंगे बच्चे। तो अब ये मान लो आपसे 5 दिया, मैं 6 पूछ रहा हूँ, तो हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3, मार्किंग स्कीम भी लिखे। अब हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3, या मान लीजिए हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2, यानी मैं 4 पूछ रहा हूँ तो एक 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 पर हाफ हाफ नंबर आपको देंगे। फिर मैं लिखा रहा हूँ रनर का एग्जाम्पल ग्रास स्ट्रॉबेरी, ऑफसेट टेरर ऑफ बंगाल इकॉर्निया, राइजोम टर्मेरिक जिंजर, सकर क्राइसेंथेमम, ट्यूबर पोटैटो। और अगेन इसको हम रिवर्स पूछ लेंगे, विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोटोजोआ आर फाउंड इन। अब इसी को दूसरे तरीके से पूछ लूं, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा उल्टा, विच टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोड्यूस आर फाउंड इन। अब ये नाम दे दिया, देन आंसर विल बी दिस। तो मैटर उतने ही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको देख लिया था, आगे बढ़ूं। देखो यहां पर हम इसी के हिसाब से दिए हैं, सकर भी है, आप स्टोलन भी याद कर सकते हैं। ये लो, मैं स्टोलन भी डाल दिया, कुछ बच्चे जानते हैं तो मैं एक भी डाल दिया स्टोलन। जमीकंद और कोलोकेशिया आपने पढ़ा होगा, वो कॉर्ड में आता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये लो, ये लीजिए स्टोलन का आपका हो गया, यहाँ पर मिंट में ये एक्स्ट्रा हो गया मिंट। कॉर्ड में कोलोकेशिया और जमीकंद, ये सारे वेजिटेटिव प्रोटोजोआ हैं। लीजिए मैं 7 लिख दिया। ये जो ये वाले हैं वो एक्स्ट्रा आपको कंपटीशन में आ सकेंगे, बट बोर्ड में जो आएंगे जो व्हाट एवर गिवन इन द बुक।
अब यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन बताएं, यहाँ पर लिखोगे विच प्लांट इज कॉल्ड एज टेरेड ऑफ बंगाल। तो अभी जितना बताया उन्हीं की डिस्क्रिप्शन है ये, इकॉर्निया दैट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। अब ये देखो ये राइजोम के बारे में आपको बता दिया, दिस ऑल आर द पोटैटो सुगर केन बनाना डालिया कल्टीवेटेड जिंजर दैट इज देयर नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख दे दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइजोम। इसको नोट कर लिया बच्चे सेवन साढ़े, ये सारे नोट किया आपने, देख लो। ये नोट हो गई तो आगे चले। अब यहाँ पर आ गया देखो, ये जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस में किस टाइप के हैं, वही सेम थिंग्स है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब यहाँ के बाद हम लोग आ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो देयर इज ऑलवेज, यहाँ पर दो तीन चीजें जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नंबर वन मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसमें इन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन थिंग इज मस्ट दैट इज मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो एज देयर इज मियोसिस इट ब्रिंग्स वेरिएशन और वेरिएशन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल और इवोल्यूशन। सो इन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड जो है दैट इज इवॉल्व्ड वन। जो वेरिएशन है, वेरिएशन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। तो अब वेरिएशन कैसे आएगी वो तो जेनेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपने 11th क्लास में पढ़ी। अब यहाँ हमको इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा, व्हाट आर द डिफरेंट फेज। तो पहले आप इन मैटर को नोट करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या फैक्ट फिगर एंड फैक्ट्स है, मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इट ब्रिंग्स वेरिएशन। And third point, variation is needed for survival and evolution. अब यह देखो in the life of all organism, there are two phases.
हम यहाँ देखें इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो हायर ऑर्गेनिज्म है इसमें दो फेजेज आते हैं, अर्ली वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज, और सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। तो जुवेनाइल फेज जो होती है दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट देर इज नो रिप्रोडक्टिव फेज। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी यहाँ पर, वो दोनों में मुझे पढ़ना है, प्लांट में भी और एनिमल। प्लांट हायर प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय फ्लावरिंग। यदि फ्लावर आ गया तो दिस इज इंडिकेशन, और एनिमल्स में ह्यूमन में द साइन ऑफ प्यूबर्टी तो आई, दैट इज द साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव। अब इनमें देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से जो है, अब इसमें सबसे पहले इन्होंने प्लांट के बारे में डिस्कस किया, ये पैराग्राफ। तो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट द प्लांट, देन अबाउट अगेन एनिमल। अब इस पैराग्राफ में आइए, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज जो प्लांट्स है द थ्री टाइप्स आर प्लांट्स, नंबर वन एनुअल, बाय एनुअल एंड पेरिन। इसको कन्वर्ट कर लें आप टेबुलर फॉर्म में, द एनुअल प्लांट्स इसमें बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ takes place within a year। अब इसमें जो एनुअल प्लांट्स हैं वो एक ही साल के अंदर में इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होगी, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बाद प्लांट खत्म होगा। अब एग्जांपल आप देखो, पैडी का प्लांट है, जरूरी नहीं पूरी एक साल, छह महीना भी आपने दिया हुआ है पैडी की लाइफ स्पैन, तो विद इन सिक्स मंथ में ही क्या हो गया, प्लांट ग्रो भी किए, जब उसमें फ्लावर आए फ्रूट्स आए प्लांट खत्म हो। उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड आएगा, मैं अभी लगाऊंगा, मोनोकार्पिक। तो वो एंजियोस्पर्म में प्लांट तो एक ही साल में दोनों कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल। पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं टेबल कर देता हूँ। देयर अनदर कैटेगरी बाय एनुअल, इसमें क्या होती है, पहली साल में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हो और सेकेंड ईयर में चल के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी, और जब वहां ग्रोथ हो जाएगी तो फिर फ्रूट्स लगते ही प्लांट खत्म। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप कैबेज देख लो, रेडिश देख लो, मूली, यदि आपने मूली यहां खा ली उसका एक गमले में लगा दो, अगले साल में देखो कि पहली फर्स्ट ईयर में तो केवल पत्ते पत्ते निकल आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में उसमें व्हाइट कलर की फ्लावर आएगी, फ्रूट्स लगेगा और वो खत्म, दे आर बायनियल के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। और एक होता है पेरिनियल, जो पेरिनियल जो है इट लिव्स फॉर द लॉन्ग टाइम, पहले समझा दो फॉर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम तो है जिंदा रह रहे हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग पैटर्न अलग है, इनमें कई पार्ट करना पड़ेगा, पहले बता देता हूँ फिर मैं टेबल बना दूंगा। पेरिनियल में कुछ प्लांट ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग चलती रहती है, उनकी रुकती नहीं, एग्जाम्पल चाइना रोज, मैं टेबल पे लिख दूंगा, रेगुलर चलती रहती। कुछ ऐसे पेरिनियल प्लांट्स हैं जो ईयर में हर साल एक फिक्स टाइम में फ्लावरिंग देंगे, एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू नो मैंगो, लीची,
प्लांट तो पेरिनियल है, सालों साल से पड़ी है, लेकिन एक पर्टिकुलर मंथ में जनवरी फरवरी में उसकी फ्लावरिंग होगी, अप्रैल मई तक रूट्स आ जाएगा और प्लांट फिर सरवाइव करेगा, फिर अगले ईयर। अब एक ऐसे भी प्लांट है जो इस पर लिखा है, नीला कैलिचू स्ट्रोबायलेंथस कुंतियाना, वो हर 12 ईयर्स पर फ्लावरिंग करते हैं, पेरिनियल है, हर 12 ईयर्स पर वो फ्लावरिंग करते हैं। बाय द वे, इस बार मैं गया भी था ये नीलगिरी की पहाड़ी पर, तो आई हैव टेकन द पर्सनल फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लांट, तो मौका लगेगा तो आई विल शेयर द पिक्चर। तो एक्चुअली वो तो पर्टिकुलर 12 मंथ्स ईयर्स पर आते हैं, कुछ कुछ प्लांट जिनका 12 ईयर्स हो गया था वो फ्लावरिंग कर रहे थे, और वो केरला कर्नाटका तमिलनाडु इसी रेंज में है वो, जिसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नेम इज गिवन स्ट्रोबायलेंथस कुंतियाना। तीसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया बेम्बू का। बेम्बू है जो विच इज ए लार्जेस्ट ग्रास, लॉन्गेस्ट ग्रास, और ये 50 to 100 ईयर में एक बार फ्लावरिंग करते और फिर खत्म हो गए, है तो पेरिनियल। तो पेरिनियल में बहुत सारी वेरिएबिलिटी है। तो लेट अस कंप्लीट द टेबल फ्रॉम दिस। पाइनियल में लीव्स फॉर 2 ईयर्स, इन फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सेकेंड ईयर रिप्रोडक्टिव। एग्जाम्पल कैबेज, रेडिस, इसमें बच्चे लिख लो आप पैडी व्हीट, ठीक है। पेरिनियल का मैं अलग से ऊपर टेबल बनाता हूँ, क्योंकि इतने में जो टाइप्स है ना यहाँ जगह नहीं आएगा, इसको मैं कैरी ओवर करूंगा अगली टेबल में, आपके पास जगह हो तो बना लेना, पहले इन दोनों को नोट कर ले आप, हो जाए तो लिख देना। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हार्ड प्लांट्स इज ऑफ 3 टाइप्स, एनुअल, बाय एनुअल, पेरिनियल। इन एनुअल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ टेक्स प्लेस विद इन ए ईयर, इट कुड बी 6 मंथ ऑल्सो। एग्जाम्पल पैडी, व्हीट, मेज, मक्का, मेज में बाय एनुअल, इनकी लाइफ होगी 2 साल, फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, एंड आफ्टर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और सेटिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रेंडाइज। अब जो पेरिनियल्स हैं इट सर्वाइव्स फॉर लॉन्ग टाइम, अब आगे लिखेंगे इसको, सर्वाइव्स फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो ऊपर बता रहा हूं, ये यहां तक आपने नोट कर ले, यस डन, वेरी गुड। तो हम लोग आ जाते हैं पेरिनियल को, ऊपर से पेरिनियल के टेबल बना लो, यहां तक हो जाएगी। इट्स टाइम, मैंगो, मीठी,
Mr. White and us. Well, 12 to 13 years for flowering hote every. Or third, once in lifetime. For example, बैम्बू 50 to 100 ईयर्स में फ्लावर्स करेंगे और प्लांट डाइज। अब ये जब लिख लेंगे तो एक वर्ड लिखेंगे आप, मोनोकार्टिक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टेबल, इस पैराग्राफ को ब्रेक किया हूं, इसी पैराग्राफ को मोहम्मद जैद लिख लिए हैं और जैदा को दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई? अमानत भी लिख ली, इसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाई बेटा जैदा को? मैं डिक्टेट करता हूँ, जरा देखो यहाँ से, हो सकता है ग्रीन थोड़ा विजिबिलिटी कम आ रहा हो, ब्लैक में नहीं लिखा हूँ, मैं ग्रीन से लिखा हूँ, प्लांट के बाद से तो ग्रीन कर दिया। यहाँ है पेरिनियल, पेरिनियल में हमने एक दो तीन चार तरह में बांट दिया। पहला है जरा देखो, उसमें फ्लावर्स रेगुलरली लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन के लिखो, फ्लावर्स रेगुलरली एग्जाम्पल चाइना रोज। सेकेंड कैटेगरी में बच्चे लिखा हूं फ्लावर्स वंस इन अ ईयर, इन अ ईयर ये लिख दो, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, इन अ ईयर एट फिक्स टाइम, एग्जाम्पल हो गया मैंगो एंड लीची। तीसरा है फ्लावर्स एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, अभी कहानी बताया था या बुक में है, स्टोपालिन्थस कुल्थियाना, लीला कैलेंजो, यहाँ पर देखो जिनके पास बुक है यहाँ देखो, 12 to 13 years पर। और है वंस इन द लाइफ टाइम बैम्बू 50 से 100 साल। ये जब बन गई तो अब एक वर्ड हमने लिख दिया मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक वर्ड है बुक में, इस चैप्टर में नहीं है, यहाँ पर फिनोमेना है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है प्लांट विच फ्लावर्स वंस इन द लाइफ टाइम, प्लांट विच फ्लावर्स Once in lifetime is called monocarpic। लेकिन अब क्या होती है, बच्चे के दिमाग में एक ही चीज बैठ जाती है जो लाइफ टाइम में फ्लावर देने वाला एक ही प्लांट है, वो तुरंत बच्चे कह देगा बेम्बू। भाई बेम्बू तो दे ही रहा है, बट एनुअल में क्या हुआ एक ही बार तू भी, तो बच्चे यहां पर लिख लोगे ना ऑल एनुअल्स एंड बाय एनुअल्स आर मोनोकार्पिक, ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, मैं लिस्ट दे दूंगा। तो यहां पर लिखोगे ऑल एनुअल्स, यहां पर लिखा तो एक तो बैंबू आया है पेरिनियल में, बट लिखोगे ऑल एनुअल्स एंड बाय एनुअल्स प्लांट्स आर मोनोकार्पिक। इसके बाद बनाना जो है, बनाना इट इज ऑल्सो ए मोनोकार्पिक, कभी देखा है बनाना में दो बार लगते हुए? इनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, लेकिन उसमें से बनाना कट भी कर दो तो दोबारा बनाना नहीं आएगी, तो आप उसमें लिख दो बनाना भी। तो ये मोनोकार्पिक एक वर्ड है जो फ्लावर्स करते हैं एक बार लाइफ टाइम में। अब इनके बाद बच्चे ये, इसके बाद
ये तो प्लांट के बारे में हो गई। अब ये जो आगे चल के जो हम लोग आएंगे वो आएंगे एनिमल के केसेस में यहाँ। तो अब अगली क्लास में एनिमल के केस में आएंगे और वी विल डिस्कस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। अभी क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में तो रिप्रोडक्शन का एक जनरल दिया हुआ, इट इज ऑल ए सेक्सुअल सेक्सुअल बोथ प्लांट एंड एनिमल, सबकी बातें। जो ये इवेंट हो रहा है प्लांट में भी एनिमल, तो पहले प्लांट की कह दिया फिर एनिमल का कह दिया। जब आप चैप्टर नंबर सेकंड में जाओगे वो सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेगा, जिसको आप 11th क्लास के एक पेज में, पेज नंबर 40 पर पढ़े थे, वो उस पे एक चैप्टर है। थर्ड चैप्टर, अब देखो 11th में ह्यूमन का सारा सिस्टम आपने पढ़ा था, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सारे पढ़े थे। अब 12th में आके आपको पढ़नी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 4 जो होगा दैट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये चैप्टर जो है वो चार एक यूनिट में आते हैं, देयर ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट थी, मतलब यहाँ तक फर्स्ट हो गया प्लांट तक। अगली में मैं एनिमल से शुरू करूंगा और अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो आप लोग तरह पेन पेंसिल बुक सारे रखें, इस पर बोर्ड का काम भी है। बोर्ड पर मैं सारे क्वेश्चन एक एक पैराग्राफ से मैं आपको क्वेश्चन आंसर देता चला जाऊंगा। हम लोग कुछ भी पेंडिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि तो ये लॉकडाउन ना होता तो हम लोग सितंबर के लास्ट तक 12th की सिलेबस खत्म कर लेते हैं, क्योंकि तो सिलेबस यहाँ 11th से बहुत कम होती है। फिर हम लोग रह जाते हैं रिविजन में, पर लेकिन फिर भी यदि ऑनलाइन भी चलती रहे तो हम खींच लेंगे। ठीक है बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज। ठीक है, आज इतने तक रहेंगे। अबे वाजिद को भूख लग रही है, भैया हो गई क्लास, जाके खा लो। चाइना रोज मान मोनो कार्पिक कहाँ से आया भैया? चाइना रोज एक ऐसा है जिसको हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस बोलते, वो तो हर साल हर महीने फ्लावर करता रहता है। अगल बगल में जाओ अंकल जी के गार्डन में देखोगे चाइना रोज फ्लावर आती है। वो मोनो कार्पिक नहीं हुआ जी। ठीक है, चाइना रोज इज नॉट मोनोकार्पिक मोहम्मद जैद, इट फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। मोनोकार्पिक में होगी उनकी लाइफ में एक ही बार फ्लावर होती है। जितने एनुअल आपने यदि पैडी और व्हीट देखा होगा तो एक ही बार लगती है, सूख गया। धान का फसल काट लिया, गेहूं का फसल काट लिया, मक्के का फसल काट लिया, वो हुआ मोनोकार्पिक। तो अभी भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, किसी को डर है तो कर देंगे। और भी जितने डाउट्स आपके हैं तो प्लीज नोट करके आएंगे, अगली क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। राइट नाउ आई हैव अनदर क्लास, दूसरे जगह का बैच स्टार्ट होने वाला है बच्चे, तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस और अगली क्लास में इस पेज के साथ बुक पेंसिल के साथ आएंगे। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। चलिए, आज ये बहुत अच्छी चीज हो गई जो रमजान के दिन आप लोगों ने शुरू कर दिया। वेरी गुड।